सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, मतलब ये लाहौर में तीसरा व्लॉग। और अभी जो है ना सुबह सुबह का टाइम है, मैंने और उसामे भाई ने जो है ना रोज़ा नहीं रखा था। हमारी जो है ना तबीयत चल रही है ख़राब, थोड़ा पेट का जो है ना सिस्टम जो है ना एक तरह पे नहीं ठहर रहा, कभी इधर कभी उधर, मतलब हमसे रोज़ा नहीं रखा जा रहा लाहौर में। और फिलहाल तो हम निकले हुए हैं नाश्ते के लिए और देखते हैं नाश्ता हमें कहाँ मिलता है। और हमारे पीछे यहाँ पे मतलब कि हाउस है जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो मेरे बाल जो है ना जहाज हुए पड़े हैं, पता नहीं इनको क्या है, लाहौर में आके खड़े ही हो गए हैं सारे, पर वैसे खड़े नहीं होते थे ये। मज़ा ही आ गया। बोतल के बाद जूस, लेकिन शर्म महसूस हो रही है क्योंकि सबको रोज़ा है और हम जूस पी रहे हैं। गला लो, यहाँ पे इतना चल चल के खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। दुआ करता हूँ भाई, सारी शॉप सब कुछ बंद पड़ा है, रात 3 बजे तक सब कुछ खुला हुआ था लेकिन अभी सब कुछ बंद है। फर्स्ट टाइम हम मैप के ज़रिए चल रहे हैं और देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, लेकिन 2 दिन हो गए मैप के ज़रिए चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैप सही है। अगर उसामा भाई अगर मैप ना होता तो शायद हम कुछ नहीं ढूँढ सकते। हाँ ये बात है, जो चीज़ें हमने घूम ली हैं फिर ली हैं, मतलब कि शायद हम कुछ ना ढूंढ पाते। टाइमिंग का पता चल जाता है, उसके बाद कितना टाइम लगेगा आगे जाते हैं। हाँ आगे कितना टाइम लगेगा, बाइक्स पे जाएं, पैदल जाएं, किस पे जाएं? सब पता, हमें दही मिली है। दही मिली है और ये पीछे वाली शॉप है और भाई ने बोला कि मैं आपको जो है ना पराठे बना के देता हूँ, आप पीछे से जाके दही ले आओ। तो हम दही ले आए, अभी पराठे बनवाते हैं। तो देसी कैफ़े पर हैं फिलहाल इस वक्त। तो यहाँ पे जी अंदर आ चुके हैं और मतलब कि सिर्फ 2 लोग हैं और भाई ने हमारे लिए दुकान खोली है, तो शुक्रिया भाई का। और सब कुछ देखें बंद पड़ा है, मतलब कि हम दोनों बैठे हैं। यहाँ पे जो है ना हमारा नाश्ता आ चुका है और नाश्ता करते हैं, इसके बाद मिलते हैं क्योंकि आपको भी रोज़ा होगा। तो गाइस नाश्ता वगैरह जो है ना कर लिया है और अभी जो है ना दूध ले कर जा रहे हैं और बिस्किट घर पर, और वहीं पर चाय वगैरह पीते हैं। और चाय वगैरह तो यहाँ पर कहीं नहीं मिल रही, ये नाश्ता मिल गया वो भी बड़ी बात थी। और यहाँ पे शॉप्स वगैरह इसलिए बंद होती हैं रोज़ों में क्योंकि सबको होता है तकरीबन रोज़ा, और जो शॉप्स खोलता है तो उनकी शॉप को जो है ना सील कर दिया जाता है। तो भाई उसमें भाई के साथ हो गई हालत, ऊपर बन रही थी जगह तो वहाँ पर जाना पानी आया उसमें। ये क्या हुआ है? ये क्या पानी उन्होंने बोला कि उसामे भाई को 2 दिन हो गए लाहौर में लेकिन इसने नहाया नहीं अभी तक, तो इनको हम नहला देते हैं पानी। तो उसामे भाई को नहला दिया गया। आते ही नहाया था 2 दिन पहले, क्योंकि मैं जो है 5 बार या 6 बार नहा चुका हूँ। उसामे भाई घर चुके हैं अभी पहुँच, और ऊपर जाते हैं, दूसरा नंबर फ्लैट है जहाँ पे हम रहे। तो हमें जो है ना नींद आ गई थी, तो हमने नींद पूरी की थी, मतलब कि रात को देर सोए थे 3-4 बजे, और अभी उन्हें फ्रेश होते हैं तो उसके बाद फिर चलते हैं बाहर। और रेडी वगैरह जो है ना हो चुके हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी? तो सीधा मेट्रो पे जाएंगे फिर। हाँ सीधा जाएंगे अभी मेट्रो पे फिलहाल, और फिर हम उतरेंगे। कहाँ पे उतरेंगे उसामा भाई, आपको पता है ना सारा? हाँ 4 नंबर स्टॉप पे वहाँ पे उतरेंगे, और उसके बाद हमने जाना है अभी बादशाह मस्जिद और मीनार पाकिस्तान जा रहे हैं। तो लेट्स, तो गाइस हम अभी जा रहे हैं मेट्रो पे, तो मेट्रो से हम जाएँगे मीनार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान के बाद फिर हम जाएंगे बादशाही मस्जिद, और उसके बाद
उसके बाद इफ्तारी का टाइम हो जाएगा तो हम करेंगे इफ्तारी जो रोजेदारों को बहुत ज्यादा इंतजार है। इंतजार है अभी तकरीबन 3 घंटे पड़े हैं। 3 घंटे पड़े मेट्रो के अंदर आ चुके हैं और वो पीछे उसामा भाई जो है टिकट्स वगैरह ले लिए तो अभी जा रहे हैं। पहले कहाँ चलना है? इधर जाना है। 13 मिनट का सफर है। 10 मिनट का मतलब कि चल के सफर है आगे, तो वो सफर करेंगे उसके बाद आगे। तो आज का व्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो नेक्स्ट व्लॉग में बने रहिए। और पीछे बादशाह मस्जिद है, यहाँ पे मीनार पाकिस्तान है और घूमेंगे फिरेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।